हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं हॉटस्पॉट सेटिंग के बारे में, जैसे कि हम हॉटस्पॉट सेटिंग को कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये रियलमी का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, कनेक्टिंग शेयरिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, पर्सनल हॉटस्पॉट पर जाना है और आपको इस तरीके से आइकन शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है हॉटस्पॉट सेटिंग, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरी हॉटस्पॉट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जैसे कि यहाँ से आप अपना हॉटस्पॉट नेम चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नाम है ये, और यहाँ पे आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो कट करेंगे, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, मैंने चेंज कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको 8 डिजिट का पासवर्ड डालना होगा। 8 डिजिट का नहीं होगा तो आपका यहाँ पर राइट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि सेव नहीं होगा। यहाँ पे सेव कर लेंगे और आपका इस तरीके से सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप हॉटस्पॉट सेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और तरीका है हमारे पास, उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले सेटिंग पर जाएंगे और यहाँ पर आपको सर्च वाले ऑप्शन पर जाना है और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट सेटिंग, तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।